गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास सेवन्थ का जो सिक्स चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टी, उसकी एक्सरसाइज 6.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर वन मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके मैं सारे पार्ट ही इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि जो ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड। कह रहे हैं कि ये हमारी साइडें दे रखी हैं तीन, क्या इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इससे ट्रायंगल बनने की तभी पॉसिबिलिटी है। एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपकी बुक में, यहाँ पर दे रखी है, कह रहे हैं ये देखो लिखा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा, ठीक है, इसमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है एंड 5 सेंटीमीटर दे रखी है लेंथ। तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सपोज़ हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सपोज़ ये हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर और ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, सपोज़, ठीक है। ट्रायंगल रफ डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। यह है हमारी 3 प्लस 2, ओके, ग्रेटर देन 5। तो ये कितना आ गया, देखो ये ग्रेटर देन 5 तो नहीं आया और इक्वल टू आ गया है, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया 9। ये दोनों बराबर बराबर है, ग्रेटर तो नहीं आया है, तो ये हो गया 9, पहला वाला केस। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये है 2 प्लस 5 ग्रेटर देन 3। इन दोनों का प्लस करके 2 और 5 का प्लस करके 5 6 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 3, इसका आंसर क्या आ गया, यस। उसके बाद इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 2, इन दोनों को प्लस करा 8 8 इज़ ग्रेटर देन 2, इसका भी आंसर क्या, यस आ गया, ठीक है। पहले वाले का आंसर नो आया है, दूसरे वाले का आंसर यस आया है, तीसरे वाले का आंसर भी यस आया है। बट पहले वाले का आंसर जो नो आया है वो भी यस आना चाहिए था, तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल होता, ठीक है। अब क्या है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पहले वाले का आंसर नो है, क्योंकि ये 5 2 और 5 से बड़ा नहीं है, बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले का आंसर होगा इसका, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। क्या है, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, जो कि ये लॉ है, ये थ्योरम के हिसाब से ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना हम लोगों को। इसकी साइड दे रखी हैं, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है और 7 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 6 ग्रेटर देन 7, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये क्या है, 9 9, जो 7 से ग्रेटर होता है, यस, इसका आंसर यस है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 7 ग्रेटर देन 3, 7 और जो 6 होता है वो 3 से ग्रेटर है, इसका आंसर भी यस है। उसके बाद 7 और 3 को ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 6, 7 और 3 10 होता है, ग्रेटर देन 6 है, इसका आंसर भी यस है। तो ये जो साइडें दे रखी हैं तीन, इससे क्या है ट्रायंगल पॉसिबल, क्योंकि ये सारों का आंसर यस आ रहा है। तो इसका आंसर होगा, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर क्या है, ट्रायंगल इज पॉसिबल। और थर्ड वाले की साइडें लिख लेते हैं, क्या दे रखी हैं, वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है और 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले हम इस दोनों साइडों को प्लस कर लेते हैं, ये 6 प्लस 3 ग्रेटर देन 2, तो 6 और 3 9 होता है, ग्रेटर देन 2 है, यस। उसके बाद नेक्स्ट टू कर लेते हैं, 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 6, तो ये 5 हो रहा है, ये 6 है, इसका आंसर क्या आ गया, 9। उसके बाद 2 और 6, 2 प्लस 6 को ग्रेटर देन किस से, 3 से, इसमें भी आंसर क्या है, 9। तो इसका क्या होगा, इसमें हमारा 9 आ रहा है, देखो यहाँ पर ये बड़ा था, यस आ गया, और ये दोनों भी बड़े हैं, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यस आएगा, बट इसमें 1 9 आ रहा है, 2 ऐसा नहीं 1 9 आ रहा है, इसमें सारे ऐसा आने चाहिए थे तभी ये ट्रायंगल पॉसिबल होता है। तो इसका क्या होगा, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके सारे यस नहीं आ रहे, क्योंकि 2 ऐसा है 1 9 आया है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल तभी होता है जब इनके सारों के यस आते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक करें वीडियो और वीडियो पर कमेंट करें, ओके। लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, जो बच्चों को यूज़ नहीं करना आता है
तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप अपनी क्लास को नाम देखें और सब्जेक्ट चैप्टर का नाम देखें और उस पर क्लिक कर सकते हैं। उससे ये होगा आपको मेरे चैप्टर में, उससे मैं जो प्लेलिस्ट में आपने क्लिक करा हुआ उसमें सारी वीडियो जो चैप्टर की होंगी एक साथ आपको मिल जाएंगी। आप स्क्रॉल करें अप एंड डाउन अपनी वीडियो देख सकते हैं जो सी आपने देखनी है, ठीक है। और बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं विदाउट चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का बेचारों का तभी सब्सक्राइब नहीं होता क्योंकि उन्होंने यूट्यूब में साइन इन नहीं कर रखा होता। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पहले यूट्यूब में साइन इन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।